ये जा रही है, चादर खराब कर रही है और आ रही है। मैंने बोला ना ये होती तो मैं वीडियो आपको नहीं दिखा पाता। होम टूर क्या इसी का टूर हो जाता। तो स्वागत है गाइस आपका माय फ्रेंड में। तो आपने बताया था कि भैया का घर देखना है, भैया का घर देखना है, जरूर अपने भैया एंड मम्मी का घर आप देखिए। तो चलिए अंदर आइए, पहले वेलकम ये हमारे घर पे। एंड मम्मी बाकी सारे फैमिली अभी छत पर गए थे, तो मैंने सोचा यही सही टाइम है आपको अच्छे से घर दिखाने का। आपकी मम्मी जो है एंड में आपको दिख जाएगी, आप उसका टेंशन ना लें। मगर आपको घर देखना था तो आप घर देख लीजिए। तो ये गेट लॉक कर देता हूँ सबसे पहले मैं। तो मेरे साथ आइए धीरे धीरे। तो चलिए ये रहा हमारा हॉल, आप देख लीजिए ये हॉल है हमारा, बिल्कुल खाली खाली सा है। आपने हमेशा यहाँ पर मिम्मी एंड आर्यन को दौड़ते खेलते ही देखा है। ये इसलिए है क्योंकि ये जस्ट हम नया लिए हैं, साल भर हुआ है हम यहाँ शिफ्ट करते हुए, तो इसलिए धीरे धीरे सजाया जा रहा है। आपको घर पे बहुत सारा चीजें खाली दिखेगा एंड बहुत सारा चीजें धीरे धीरे भर जाएगा। तो सबसे पहले ये हॉल देख लो, एक बार आपको हॉल दिखा देता हूं यहां से। ये देखिए ये होम अच्छी तरह से लिखा हुआ है एंड धीरे धीरे आपको दिखाता हूँ, पूरा घर अच्छे से दिखाऊंगा जैसे आपको कोई भी दिक्कत ना आए। एंड आप चाहते हैं देखना तो लीजिए, अच्छे से देखिए। ये स्टेयर्स है जो ऊपर की तरफ लेकर जाते हैं, तो ये स्टेयर्स ऊपर जाते हैं। ऊपर मम्मी पापा का रूम है, हमारा टीवी रूम है, पूजा का रूम है, तो वो सब भी दिखाएंगे। तो आओ पहले दिखाते हैं आपको ये हॉल है, ये हॉल है। यहाँ इन फ्यूचर अगर भगवान ने चाहा तो यहाँ हम डाइनिंग लगाने का सोच रहे हैं, जल्द से जल्द ये होगा। तो आइए यहाँ पर सबसे पहले किचन, क्योंकि मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट किचन है, मेरी मम्मी के लिए भी सबसे इम्पोर्टेंट किचन है, क्योंकि पहले खाना पेट पूजा लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट किचन होता है। तो ये है हमारा किचन, यहाँ सारा ड्रायर्स है, ये भी सब ड्रायर्स है, एक छोटा सा फ्रीजर है, दैट्स ऑल। किचन में ज्यादा कुछ नहीं है, यहाँ मम्मी एंड हमारा फेवरेट फेवरेट चीजें बनता है। तो चलो अब आते हैं भैया के रूम से। आपने सब देख लिया बट फिर भी आपका इतना रिक्वेस्ट था कि होम टूर करवाइए, तो मैं करवा रहा हूँ। प्लीज वेलकम, ये भैया का रूम है, जो कि भैया अभी नहीं है, काम करने गए वो बाहर। तो ये रहा बेड उनका, जहाँ भाभी भैया आर्यन बदमाशी आर्यन का यही होता है एंड मेरे रूम पे तो दोनों करता ही है। तो यहाँ ये एक विंडो है एंड यहाँ पर एक और है जो बड़ा सा बालकनी है, मैं खोल कर दिखा देता हूँ। ये बालकनी है, आइए ये बालकनी है, यहाँ से पूरा नजारा अच्छा मिलता है, सुबह का, रात का, इवनिंग का, डे का। यहाँ से अगर आप कोलकाता में रहते हैं ना तो साइंस सिटी भी आपको दिखता है, ग्रेट आईटीसी ग्रैंड भी दिखता है आपको यहाँ से। तो चलो ये बंद कर देते हैं, ये इतना बड़ा बालकनी है, ठीक है। तो आइए अब दिखाते हैं कुछ अलग, हमारा प्यारा आपका मिम्मी का दुलारा, मतलब मिम्मी दुलारी मिम्मी का, आ जाइए प्लीज। तो अब बारी है हमारा रूम का, मेरा मिम्मी आकाश गगन का रूम, ये रहा, आइए। तो ये रूम में तो मतलब आप हमसे ज्यादा आप सब जानते हैं, क्योंकि सारा दिन इसी रूम में शूट होता है, इसी रूम में हमों का बदमाशी चलता रहता है। बट फिर भी जैसा हमने नया में लिया था ना, उसी तरह मैंने इसको फिर से डेकोरेट किया, फिर से अच्छे से सजा दिया, क्योंकि आप सबको दिखा है कि ऐसे ही था जब हम लेने आए थे एंड फर्स्ट टाइम शिफ्ट हुए थे। तो ये है, ये ड्रेसिंग टेबल भैया एंड मेरा सेम है, बेड भी मेरा भैया का सेम है, ये भी सेम है, ये मम्मी पापा ने प्यार से सब चीज सेट करवाया है, दोनों भाई का सेम, बस कलर भी एक अलग नहीं है, वॉलपेपर भी सेम है। इसके अंदर थोड़ा ओपन वाला सिस्टम है, अंदर नहीं खोलूंगा क्योंकि लड़का है ना, पूरा डिस्ट्रॉय करके रखा हूं मैं। तो चलो ठीक है, मेरे पास बालकनी नहीं है यहाँ पर, क्योंकि ये बड़ा सा विंडो है मगर ये बालकनी नहीं है, वहां भी एक विंडो है, ये एक विंडो है
एंड यहाँ एक बड़ा सा विंडो है, मगर बालकनी मेरे रूम में नहीं है क्योंकि वो भैया के रूम में है। तो चलो और आगे दिखाते हैं, आइए। तो एक बार दोनों के रूम से निकलते ही हम फिर से पहुंच जाते हैं हॉल पर, एंड अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज दिखाएंगे, थोड़ा और पास आइए, इतना दूर क्यों खड़े आप। तो ये रहा, ये वाला ना मैंने अपनी सैलरी को बचाकर मैंने ये डेकोरेट किया था। ये एक टाइम में बनने वाला था बाथरूम, वो बाथ टब वगैरह होता है ना उसका, फिर हमने सोचा नहीं उस पर वाटर बहुत ज्यादा वेस्ट होता है भाई, तो क्यों ना हम ऐसा करें कि इसको रूम बना दें। फिर मम्मी ने इसको स्टोर रूम बना दिया, फिर मैंने सोचा स्टोर रूम के लिए बहुत ज्यादा वेस्ट हो जाएगा जगह, तो क्यों ना कुछ अच्छा कर दें। तो मैंने इसको बना दिया बच्चों के लिए, हमारे लिए गेमिंग रूम। तो आओ दिखाते हैं गेमिंग रूम हमारा, ये भी आप सबने देखा है कई बार, आप सबने देखा है इसे। ये मेरा बेटी लाडली का बेड है, ठीक है, यहाँ पर सारा चीजें है, हमारा रैकेट है, कैरम है, बैट बॉल है, टीवी है, प्लेस्टेशन है, प्लेस्टेशन भी है। कभी भी आप आएंगे हमारे घर तो साथ में मिलकर मस्ती होगा, मेरा फेवरेट 2K20, तो हम लोग मिलकर लड़ेंगे। तो चलो, यहाँ पर आपकी मम्मी का फोटो भी है, यहाँ इसलिए लगा हुआ है ना, ये दोनों हमने ये दोनों बच्चे के लिए ही बनाया ये रूम मैंने। ये आर्यन है, यहाँ मिम्मी है, यही दोनों का ये रूम है स्पेशली, इसी में उन सबका सामान रहता है, गेम्स वगैरह टॉयज वगैरह रहता है। तो अब हो गया ये, अब दिखाते हैं आपको बाथरूम, दिखाना तो नहीं चाहिए मगर आप होम टूर चाहते हैं तो सभी देख लो बाथरूम, एक छोटा सा झलक। तो ये है हमारा वॉशरूम, छोटा सा है, ये स्टीम है, एंड यहाँ पर आपको बेसिन मिल जाएगा एंड कांच भी मिल जाएगा। तो यही है, चलो बहुत हो गया, वॉशरूम ज्यादा नहीं दिखाना है। तो अब बारी है ऊपर का, तो उससे पहले मैं आपको टॉप का सीन दिखा देता हूँ। ये देखिए, अब यहां से ये छोटा सा एक झूमर है, दो फैन है एंड कुछ कलरिंग लाइट्स है जो अच्छा लगता है अगर डांस वांस घर पे पार्टी वगैरह हो, बर्थडे वगैरह हो, जैसे मिमी का बर्थडे, तो उसमें अच्छा लगता है ऐसे नीम लाइट जलाने में। तो चलिए वेट नहीं करते हैं, ऊपर चलते हैं। तो ऊपर जैसे मैंने कहा कि अंकल आंटी पापा मम्मी का रूम ऊपर है, पूजा रूम ऊपर है, टीवी रूम ऊपर है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये एक पोस्टर है जो भगवान का है, मतलब अल्लाह का है, क्योंकि हमारा जो ओनर था, मतलब इस घर का जो प्रमोटर था, वो मुस्लिम था, तो उन्होंने ये लगाया था। तो हमने सोचा यार भगवान तो सभी होते हैं तो इनको छोड़ जाओ, इनको यहीं रहने देते हैं एंड हमसे हो सकता है हमारा घर अच्छा है। तो हमारे घर पे दोनों ही चीज है, वी रिस्पेक्ट ऑल रिलीजियंस। तो ये छोटा सा पेड़ ये भी दिखा देते हैं, ये सोचेगा भाई मुझे नहीं दिखा है, आओ यहाँ पर। तो अब बारी है पापा का रूम का, ये है पापा का रूम, पापा मम्मी का रूम। ये सिंपल सा है क्योंकि हम लोग, जैसा मैंने कहा कि ज्यादा टाइम नहीं हुआ हमें शिफ्ट होते हुए, तो पापा मम्मी नॉर्मल से रूम, अभी सब रूम का एक ही चीजें है, बट यहाँ पर भी वॉलपेपर लगेगा एंड यहाँ एक स्पेशल होगा जो हमारे रूम में नहीं है। यहाँ पर बड़ा सा ना पापा मम्मी का एक फोटो आएगा, उनका शादी का, तो ये आएगा जो अभी तक हुआ नहीं है, अभी इसमें बहुत सारा काम बाकी है, ये सब बहुत टाइम अभी लगेगा, धीरे धीरे हम क्रिएट करेंगे, अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ हमें आते हुए। तो यहाँ पर नॉर्मल सा बेड है, पापा मम्मी का फेवरेट, उनको वुड का बेड पसंद नहीं है, उनको स्टील का ही पसंद है, वो खुद लाए हैं, हमारे लिए भी वो खुद सजाए हैं एंड अपने लिए भी वो खुद सजाए हैं। तो यहाँ एक अलमारी है जो कि पापा मम्मी का याद, मतलब उनके मम्मी पापा का है, तो ये वो कभी भी चेंज नहीं करना चाहते। वहां एक ड्रेसिंग टेबल है, उसे हम चेंज कर देंगे बहुत ही जल्दी, ये वाला नया ही हमने लिया है। तो चलिए, ये रूम एक बार जब अच्छे से बन जाए ना, ये एंड अंकल आंटी का रूम, तो फिर से एक बार होम व्लॉग जरूर बनाऊंगा। अभी फिलहाल ऐसा है क्योंकि काम चल रहा है ऊपर का फ्लोर का, अभी थोड़ा रुका हुआ है बट बहुत जल्दी करेंगे। तो अब आते हैं हम अंकल आंटी के रूम में, तो आइए, ये रहा अंकल आंटी का रूम। तो ये वाला थोड़ा पिंक थीम में है एंड यहाँ भी अभी बहुत काम होना बाकी है, यहाँ कुछ लाइट्स भी लगेगा, यहाँ सेम जैसे पापा मम्मी का है वहां अंकल आंटी का भी फोटो लगेगा, ठीक है, एंड आकाश गगन का भी लगेगा, जबकि वो मेरे रूम में रहता है मगर यहाँ लगेगा, ठीक है।
यहाँ लगेगा एंड बहुत सारा चीजें, ये जैसे आकाश गगन का स्टडी का सारा सामान इस पे रहता है। तो यही है पापा मम्मी का रूम, ये दोनों रूम के लिए बहुत सारा काम बाकी है जो कि होगा धीरे धीरे, अभी जस्ट तो आए हैं हम लोग, धीरे धीरे सब हो जाएगा। तो चलो आगे चलते हैं, अब सबसे इम्पोर्टेंट एंड सबसे मतलब जो मेन चीज होता है ना वो दिखाते हैं, वो है हमारा पूजा घर। ये हमारा पूजा घर, ये देखिए। तो यहाँ पर सारा मूर्ति सारा चीजें हैं एंड मतलब यहाँ आने से ना अलग सा फीलिंग होता है एंड हमने भगवान को ये पूरा रूम दिया है जस्ट बिकॉज हम कुछ भी खाते हैं या कोई भी कुछ खाकर आता है तो मतलब भगवान के रूम में कदम ना रखे, उनको पर्सनल रहना चाहिए। जब भी हम साफ सुथरा होते हैं, पूजा होता है तभी हम आते हैं। तो ये है भगवान का रूम, चलिए आगे दिखाते हैं। अब बारी है टीवी वाले रूम का, तो अब टीवी वाला रूम दिखाते हैं आपको। ये आप देख चुके हो बट फिर भी एक बार दिखा देता हूं अच्छे से। तो ये है टीवी वाले रूम, इसपे काम हो गया है पूरी तरीके से क्योंकि यही हमने फर्स्ट आने के बाद यहाँ पर सेटअप किया एंड यहाँ के बाद अब जाऊंगा अंकल आंटी के रूम, उसके बाद पापा मम्मी के रूम। ये वाला कुछ टाइम लगेगा तो वो भी धीरे धीरे हो जाएगा। तो ये टीवी रूम है, ये टीवी अभी नहीं स्टार्ट करो हमने लिया है, पहले नहीं था। तो धीरे धीरे सब चीज आ रहा है तो होप कि पापा मम्मी अंकल आंटी का हो जाए रूम का, उसके बाद हम फिर डाइनिंग एक लेंगे एंड ऐसे ही घर को और अच्छा बेहतर बनाएंगे एंड फिर से एक होम टूर जरूर करेंगे। तो यहाँ पर बस यही है, यहाँ भी एक बड़ा सा विंडो है, पूरा लॉन्ग विंडो है जिसे हम क्लोज रखते हैं क्योंकि सामने भी बिल्डिंग है। तो यहाँ से यहाँ आ जाइए, यहाँ से देख लीजिए, एक सीन दिखा देते हैं। यहाँ पर थोड़ा फ्लावर वगैरह है, ये सब हम ही ने डेकोरेट किया है, हम सब मिलकर डेकोरेट किए थे इसको, तो इसको भी और अच्छा बना सकते हैं। मेरी मम्मी इतनी अच्छी है ना कि कोई भी चीज ये खराब नहीं करती मम्मी, मतलब सब लोग यही बोलते हैं कि आप इतने बड़े घर पे मम्मी को कैसे हैंडल करते हो, तो मम्मी को हैंडल नहीं करना पड़ता। ये देखिए टेडी रखा हुआ है, ये हमेशा आप देखते हो कि रखा रहता है बट कभी भी वो फाड़ती नहीं है। हाँ कभी कभी पकड़ना चाहती है मगर हम बोलते हैं छोड़ देती है। तो आ जाओ, वो गया, तो आप एक बार यहाँ से देख लो, अगर कोई गेस्ट आता है तो यहाँ से भी हम देख पाएंगे इसको, इस डिजाइन से बनाया गया है। आप नीचे देख लीजिए यहाँ से, जैसे गेस्ट आया कुछ भी आया यहाँ से देख सकते हैं एंड मतलब खेल भी सकते हैं, हम मम्मी सब यहाँ से खेलते हैं, यहीं से हॉरर वाला भूत वाला स्टोरी भी बनाया था याद है। तो एक और चीज मैंने दिखाना भूल गया, आइए पास, ये गेट है जो कि सीधे छत ले जाएगा, मतलब हमारा पर्सनल छत है, एक कॉमन छत है, बिल्डिंग के सारे लोग यूज कर सकते हैं एंड एक पर्सनल है जो हमारा है, जहां अभी सारे लोग हैं खेल रहे हैं क्योंकि ठंड का टाइम है ना तो वो लोग अब एंजॉय करने लगे इवनिंग से जाकर एंड मुझे मौका मिल गया। अभी मिम्मी होती ना तो मुझे काट खाती एंड मैं वीडियो बना नहीं पाता, तो आप पता है आप लोग मिम्मी को मिस कर रहे हो, तो मैं जल्दी से जल्दी मिलाऊंगा, वीडियो हो गया आपको घर दिखा दिया। आप जरूर कमेंट में बताना कि आपका भाई एंड मिम्मी का रूम कैसा लगा एंड बताना कि क्या मम्मी पापा अंकल आंटी का रूम भी हमारी तरह बनाया जाए या फिर उनका कुछ अलग थीम किया जाए, जरूर बताना अगर आप में से कोई ये सब चीज में जानते हैं, क्योंकि हमें तो नहीं पता था, जैसे भी बनाया अच्छा ही बना है, आप सबको पसंद आता है एंड हमारा तो ये ड्रीम हाउस है। तो इसी के साथ होम टूर हमारा होता है खत्म। टूर था एंड अच्छा लगा कि आप सब हमारे
लिए इतना प्यार इतना सपोर्ट करते हो, कमेंट्स में हमेशा आप सब बोलते हो भाई होम टूर एक बार देखना है, एक बार देखना है, ऑब्वियसली तो लाना ही था ये वीडियो। अब चलते हैं मिम्मी के पास एंड उसी तरह मैं आपको छत भी दिखा देता हूँ कि छत कैसा है। छत आपने देखा है बट अच्छी तरह दिखा देता हूँ। वो छत हमें इस घर के साथ ही हमने खरीदा था एंड ये सारा चीज जो है पापा मम्मी ने किया है, सारा चीजें हम और भैया तो बस सपोर्ट करते हैं, मगर मम्मी पापा सारे चीज किए हैं एंड उनका एक है कि ऊपर दोनों रूम और सजाना नहीं चाहते, उनको सिंपलिसिटी पसंद है बट हम चाहते हैं कि वहां भी वॉलपेपर वगैरह लगाए एंड अच्छा करें। तो चलो यही रहा, वीडियो एंड करते हैं यहाँ से, अब छत चलते हैं, छत दिखाते हैं उसके बाद, ठीक है? चलिए छत चलते हैं। मिम्मी भोग रही है मतलब खेल रही है, ओ छत तो खुला ही है, लॉक कर दिया है क्योंकि सब बाहर है, तो मैं अब ये स्टेयर से जा रहा हूँ। हमारा ये रूम के बारे में मैंने बताया था, ये छत पे खुलता है, ये ऊपर का हमारा कमरा है जिसका गेट लॉक है एंड ये है आपका कॉमन छत जहाँ पूरा बिल्डिंग के लोग ही रहते हैं एंड खेलते हैं बच्चे लोग धूप में एंड इसके ऊपर हमारा पर्सनल है, ये कॉमन है। तो चलिए दिखाते हैं पर्सनल हमारा, यहीं पर अभी सब कोई है। ये देखो कौन आ गया, तो यहीं पर है सब एंड ये हमारा पर्सनल है। मिम्मी क्या कर रहे थे तुम? तो ये छत जो है हमारा पर्सनल है, तो यहाँ पर सब छत में शाम को बैठ कर थे एंड रात हो गया अभी भी बैठे हुए हैं, इसी मौका में मैंने वीडियो भी बना लिया, अच्छा हुआ। तो यहाँ से पूरा नज़ारा दिखता है आपका ITC ग्रैंड एंड यहाँ राम मंदिर सारा चीज़। मिम्मी तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हमने वीडियो बना लिया आज तुम्हारे बिना, जा। उसको यहाँ खेलने मिल रहा है इसलिए वो घर ही नहीं आया आज। तो ये देखो ये नज़ारा है पूरा छत से एंड यहाँ सब बैठे हुए हैं, ये हमारा पर्सनल है। चलो मिम्मी घर चलो, घर चलो, चलो नहीं जाना, घर नहीं जाना है, फिर भी इसको छत जाना है। मिम्मी छत पे ही जाना है क्या तुमको सिर्फ आज? वो देखो बदमाशी शुरू हो गया उसका। वो देख क्या कर रहा है ये बाबा, ये बाबा देखा तुम, सब आ गया, तुम अकेले नहीं आए जो गुस्सा दिखा रहे हो इतना, सब कोई आ गया, आ जाओ सब कोई आ गया। अरे 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 गुस्सा 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 गुस्सा, अरे अरे ओहो आलू ओले बाबा, तुम तो मुझसे ज्यादा अच्छे लग रहे हो। चा किसका कैप है? ये जा रही है, चादर खराब कर रही है और आ रही है। मैंने बोला ना ये होती तो मैं वीडियो आपको नहीं दिखा पाता, होम टूर क्या इसी का टूर हो जाता। तो चलो इसी के साथ वीडियो हम एंड करते हैं, अगर आपको अच्छा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। टाटा।